अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी जो है वो मैं शावर लेकर आई हूँ और आज का लॉग हम 4 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह अभी आकर रात ही मैं आई थी। मैंने अपने काम शाम समेटे और ना खाना खाया, शावर लेने चली गई, और जो सुकून नहा के मिलता है ना, वो भी गर्म पानी से, उसकी तो बात ही अलग होती है, थकन ही उतर जाती है। खैर मैं तो अभी थोड़ा गर्म ठंडे वाले पानी से नहाती हूँ। मुझसे नहीं ठंडे पानी से भी नहाया जा रहा, मुझे ना सर्दी लगती है। और अच्छा हाँ, सीन कुछ इस तरह का है कि नहाना गर्म पानी से है और कपड़े जो है वो पहनने लॉन के हैं, जो लॉन के नरम नरम से कपड़े होते हैं ना, पहनने वही हैं, लेकिन नहाना फिर भी गर्म पानी से है। अभी मुझे लगता है इतनी गर्मी नहीं आई कि बंदा ठंडे पानी से नहा सके। अच्छा चाहे मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ, घर में रहूँ कहीं भी रहूँ, लेकिन मैंने परफ्यूम लाजमी लगाना होता है। मुझे ना परफ्यूम लगाए बगैर ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती, जैसे कुछ लोगों को लिपस्टिक लगाए बगैर सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, मुझे परफ्यूम लगाए बगैर सेटिस्फेक्शन नहीं होती। लेकिन मैं परफ्यूम नहीं लगाती, मैं बॉडी मिस्ट ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये वाला बॉडी मिस्ट मैंने कहाँ से लिया था, हाँ ये मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए हैं, मेरे पास बहुत सारे होते हैं, ये मैंने गिफ्ट भी बहुत किए हैं लोगों को, ये चेज़ वैल्यू पर मिलते हैं, मैं वहाँ से लेकर आती हूँ, पर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वाले। हाय, खैर इस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही है, देखते हैं कुछ खाने को है या नहीं। और यहाँ से जब फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है, लास्ट डे से मैंने इतना सा रिकॉर्ड किया था, इसलिए कल व्लॉग भी नहीं आया, कल मेरे दिमाग में ही नहीं रहा, मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड किया, उसके बाद पता नहीं मैं इतना मोबाइल देखने में मसरूफ़ हो गई कि मुझे याद नहीं रहा कि मैं कुछ रिकॉर्ड ही कर लूँ। खैर अभी मैं सुबह उठी थी और उठ के जो है आजकल मैंने जो रूटीन अपनी स्टार्ट किया ना, चिया सीड लेना मैंने स्टार्ट की है, और मैं ग्रैनीज़ किचन के जो चिया सीड्स हैं ना वो यूज़ करती हूँ। अच्छा बेसिकली मैं तो चिया सीड्स जो है वो ग्रैनीज़ किचन से लेती हूँ, इनका फेसबुक इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ से मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, कि मैंने जितने भी मार्केट से लिया ना, एक तो उसमें बहुत ज़्यादा गंद होता है और फिर कुछ मिलावट भी होती है, तो मैं फिर इधर से ऑर्डर कर देती हूँ, मुझे घर बैठे मिल जाते हैं। लेकिन आप लोगों को जहाँ से भी अच्छी क्वालिटी के चिया सीड्स मिले आप लोग ले सकते हैं, या इनसे ऑर्डर कर लीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। चिया सीड के बेनिफिट सबको पता है, गूगल कर लीजिएगा। वैसे ये वेट लॉस में, बॉडी डिटॉक्स में आपकी हेल्प करता है और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। खैर उसके बाद जो है मैंने आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ वाटरमेलन लिया था मैंने, और कुछ भी नहीं लिया, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। साथ में मैं इस टाइम पे ना सुबह जब मैं उठती हूँ तो साथ में कोई नाश्ता जब भी कर रही होती हूँ उसके साथ अपने मोबाइल में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ, फिर दोबारा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, पर मैं फ़िलहाल नहीं सो सकती, मुझे दोपहर का खाना बनाना है। कभी कभार ना आपकी नींद ही पूरी नहीं होती, आपको इतनी नींद आ रही होती है ना, लेकिन आप सो नहीं सकते। का जिस तरह एक स्टोरी से आप मेरी दूसरी स्टोरी में आए हैं ना क्लिप में, इस तरह से खाना भी बन जाता तो क्या ही बात थी। खैर घंटा लगा कर मैंने खाना बना लिया था। अब मैंने वाइट मटर पुलाव बनाई थी, प्लेन राइस ना एक तरह का, उसमें ले कम मिर्च मसाले वाले, क्योंकि मेरी फूफा उनके ने थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनका पेट ख़राब है, तो उन्होंने कहा था नरम से मटर के अच्छे वाले चावल बना लो, तो मैंने वो बना लिए, ताकि रात में रोटी में यू खा लेंगे या सुबह नाश्ते में, क्योंकि नाश्ते में फूफो को ना सालन लाजमी चाहिए होता है, वो अंडा वगैरह नहीं खाती। हाँ जी मेरा ही पार्सल है। फोफो मेरा पार्सल आ गया। और खैर अब ये जो है वो शाम का टाइम था 6 बजे का, और अभी मैं किचन में आके ना बड़ी मज़े से कड़क सी चाय बनाई थी, क्योंकि फूफो के लिए मुझे बनानी होती है, तो फिर जो है मैंने अपने लिए भी बना ली थी चाय जो है ना, और मैं चाय छानूँ और गिरे ना, ऐसा हो नहीं सकता, वैसे आम रूटीन में नहीं गिरती, लेकिन ये आप लोगों को वीडियो में मैंने दिखाने के लिए ना ऊपर ऊपर कर करके डाली है चाय, इस वजह से गिर गई है। और यहाँ पे खैर जब मैं चाय छान रही थी तो हमारे घर में कोई आ गया था, और ये मेरे ख्याल से हम सारी फीमेल्स का मसला है कि हम जहाँ भी खड़े होंगे, चाहे चौथे कोने में भी होंगे ना घर के, वहीं से पूछेंगे कौन कौन, डोर तक बाद में जाएंगे। अभी मैंने गर्मियों के कुछ ड्रेस लेके रखे हुए हैं, लॉन के 3 ड्रेस ना, अभी कुछ और लेने हैं 2-3, और मैं यही सोच रही थी अभी, तो मैंने इनकी बैठ के ना डिज़ाइनिंग वगैरह सोची है कि क्या डिज़ाइनिंग जो है वो मैं इनकी करवाऊँ। और मुझे ना स्टिच अनस्टिच ड्रेस लेना ना इसलिए बड़ा औखा लगता है कि ना इस पर अब मुझे लेसें लेनी पड़ेंगी इसके साथ की जो है ना, और भला
लैस लेनी पड़ेगी और डिज़ाइनिंग करानी पड़ेगी, इतना ख़र्चा मेरा पड़ जाना है ना इन सूटों के ऊपर। लेकिन क्या करें, उसके बगैर मज़ा भी नहीं आता। डिज़ाइनिंग कराना तो मस्ट है ना, लेसेस वगैरह लगवाना, पाइपिंग लाना। आजकल लेस और पाइपिंग इतनी महंगी हो गई है ना, जितने का सूट होता है उतनी ही सिलाई पड़ती है और उससे ज़्यादा की लेस पड़ जाती है। तो बस ये बाज़ार जाने का सोच रही थी कि बाज़ार चक्कर लगे तो चीज़ें वगैरह जो है वो लेकर आऊँ। एक पर्सनली एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी, कभी भी ब्लैक कलर की बेडशीट मत लीजिएगा, मत लीजिएगा, मत लीजिएगा। अगर आपने कभी कभार के लिए बिछानी है ना, तब तो आप ले लीजिएगा, लेकिन अगर आपने डेली यूज़ के लिए बिछानी तो मत लीजिएगा। ये चिट्टी चिट्टी कह रही हूँ, वो जो इसका ब्लैक कलर होता है ना, थोड़ा सा गंदा गंदा सा, डस्टी डस्टी सा लगने लग जाता है, तो इसलिए मेरी तरफ से तो बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बड़े शौक से ली थी, मेरे मियाँ को ब्लैक कलर बहुत पसंद है ना, तो इस वजह से उनके लिए। लेकिन अगर आप डेली यूज़ करें ना, तो इसका बहुत बुरा हाल होता है बेडशीट का ना। और हाँ, मुझे आज याद आया ब्लैक बेडशीट से, मुझसे किसी ने मेरे फर्नीचर का पूछा था कि आपका वाइट फर्नीचर है तो आपका इसके साथ जो है वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ पे तो मैं कपड़ा बिछाई रखती हूँ, बड़ा बड़ी जल्दी जल्दी जो है मेरा दीवान गंदा हो जाएगा वरना। यार मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, मेरा फर्नीचर नहीं ख़राब हुआ, ये आपके सामने है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुआ ना, अभी इस पर डस्ट वगैरह लगी है ना कुछ है, देख लें आपके सामने है, बिल्कुल ठीक पड़ा है, अभी मेरा फर्नीचर नहीं ख़राब हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन नहीं हुआ शायद, अभी हम इस कमरे में कोई बच्चे बच्चे नहीं है ना, इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन फ़िलहाल मैं इसकी डस्टिंग करती हूँ, वीक में 1-2 दफ़ा कर लेती हूँ, ऊपर ऊपर से तो मैं 2-3 दफ़ा कर लेती हूँ, लेकिन डीपली इसकी हर वीक में डस्टिंग करती हूँ, तो शायद इस वजह से भी ये गंदा नहीं हुआ फ़िलहाल। खैर अभी अभी आप में से मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, और वैसे भी ये कमेंट मैं काफ़ी पढ़ती रहती हूँ, कि अक्सर लोग मुझसे पूछे होते हैं आप ही, आप अपने हस्बैंड के साथ कराची क्यों नहीं गई, आप तो कराची में ही रह रही थी, कि आपने वापस नहीं जाना। और मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, नहीं यार इंशाल्लाह मैं जाऊँगी कराची ना, इंशाल्लाह बड़ी ईद के बाद मेरा इरादा है कराची जाने का, इंशाल्लाह दोबारा से हम कराची जाएंगे। लेकिन अब मैं इसलिए नहीं गई, एक तो आपको पता है हम लास्ट नवंबर में ही कराची में शिफ्ट हुए थे ना, मेरी हस्बैंड की वहाँ पे जॉब होती है, जो न्यू मेरे आने वाले सब्सक्राइबर, उन्हें नहीं पता कि मेरा वैसे मेका जो ससुराल है वो तो यहीं पंजाब यानी मुल्तान वाली साइड का है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड की जॉब है ना वो सिंध यानी कराची में है, तो इस वजह से मैं लास्ट नवंबर में लास्ट ईयर उनके पास शिफ्ट हुई थी कराची ना। और लेकिन उसके बाद फिर अब गर्मियाँ आ गई, रमज़ान आ गए, तो फिर हम लोग ना वापस आ गए थे इधर ना, वो इस वजह से एक तो वहाँ पे अभी हमने ना इतना प्रॉपर सेटअप नहीं किया कि गर्मी में हम रह सके, अभी उधर हमने एसी वगैरह तो लगाया नहीं है, उस टाइम तो सर्दियाँ थी इसलिए मैं आराम से चली गई थी, लेकिन अब हमने एसी वगैरह भी वहाँ पर लगाया नहीं, इंशाल्लाह हम लगाएंगे, तो इसलिए फिर मैं इधर आ गई थी। अब इंशाल्लाह मैं बड़ी ईद के बाद जुलाई अगस्त में ना फिर इंशाल्लाह मैं वापस अपने हस्बैंड के पास चली जाऊँगी, तब तक हम एक प्रॉपर सेटअप घर में कर लेंगे, तो ये रीज़न है इस वजह से मैं आ गई थी। और दूसरा मेरे हस्बैंड की ड्यूटियाँ भी बड़ी हैक्टिक होती हैं, तो वो रूटीन इस तरह से मैच नहीं हो रही थी, इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और क्योंकि वो खुद इस दफ़ा ईद करने आ गए थे, रमज़ान उन्होंने हाफ से ज़्यादा रमज़ान इधर गुजारा, उनको इतनी वेकेशन मिल गई थी, तो इस वजह से हम यहाँ पर आ गए थे, तो ये रीज़न है। और दूसरा जो किसी ने मुझसे पूछा था, हाय आपको तो अपने हस्बैंड की कमी फील नहीं होती, आप आ गई ये वो, यार कोई खुशी से नहीं आता होता, कमी तो सबको फील होती है, मेरे घर से कोई बीवी नहीं होती जिसे कमी ना फील होती हो, मुझे बहुत कमी फील होती है। आज मौसम इतना अच्छा था ना, तो जब मेरे हस्बैंड लास्ट टाइम थे ना तो हम कहीं घूमने चले जाते थे अच्छे मौसम में, आज वो नहीं थे तो मैंने यही कही थी आप होते तो हम कहीं चले जाते, तो कमी सबको फील हो रही होती है, लेकिन पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि आप आ गई ये वो। यार हर इंसान एक मजबूरी के तहत ही चल रहा होता है, आपको नहीं पता यार हर किसी की लाइफ में क्या इशू चल रहे होते हैं, लेकिन किसी को ना आपको ऐसा कमेंट नहीं कर देना चाहिए कि हो आप एक गर्मी की वजह से आ गया, पर गर्मी की नहीं होती, दूसरे भी काफ़ी रीज़न होते हैं। और मैं दोबारा जाऊंगी इंशाल्लाह अगस्त में ना, तो तब तक मैं यहीं पे हूँ। खैर बाकी उम्मीद है आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मेरा छोटी सी रूटीन थी आज का, मेरी कोई खास रूटीन नहीं चली क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ आपके सामने से, मैं ब्लॉग में भी डंडी मार जाती हूँ। तो अब आपसे जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।